एटीट्यूड इज एवरीथिंग, एटीट्यूड सब कुछ है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एटीट्यूड ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पर्सनालिटी को डिफाइन करती है। हम लाइफ में पॉजिटिव या नेगेटिव अपने पॉजिटिव या नेगेटिव एटीट्यूड से ही होते हैं। अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होता है तो हम हर विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी पॉजिटिव रहते हैं, खुद में एक उम्मीद रखते हैं और उसी उम्मीद से हम विपरीत से विपरीत परिस्थिति से बाहर निकल जाते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन वही नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग विपरीत परिस्थिति में बुरी तरह टूट जाते हैं, हार मान लेते हैं और नेगेटिव एटीट्यूड उनमें इतना हावी हो जाता है कि वह अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ ऐसा कर लेते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। कुछ लोग तो अपनी ज़िंदगी तक को समाप्त कर लेते हैं। क्या उनकी ज़िंदगी समाप्त कर लेने से सब सही हो जाता है क्या? शायद आपका भी जवाब होगा नहीं, बल्कि उनके अपने लोगों की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। दोस्तों, कुछ गलत स्टेप लेने से तो बढ़िया है कि विपरीत परिस्थिति में पॉजिटिव रहने की कोशिश कर हालात से लड़ा जाए, ताकि परिस्थिति समय के साथ धीरे धीरे ठीक हो जाए। और परिस्थितियां समय के साथ ठीक हो भी जाती हैं और हम आगे अपने लाइफ में बढ़ जाते हैं। क्यों ये सब क्यों हो जाता है? क्योंकि हमने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ विपरीत परिस्थितियों से लड़ा, अपने धैर्य को बनाए रखा, सब ठीक होने का इंतजार किया। इसलिए दोस्तों, एटीट्यूड ही सब कुछ होता है। अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा तो हम लास्ट बॉल में भी 6 रन मार करके मैच जीत सकते हैं, और अगर हमारा एटीट्यूड नेगेटिव है तो हम शायद पहले ही हताश हो जाएंगे कि हम मैच हार गए। और जब ये सोच लिए तो नेगेटिविटी हम पे इतना हावी हो जाती है कि हम अपना 100% परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं और शायद हम अपना सच में 100% एफर्ट नहीं दे पाते हैं और मैच हम सच में हार जाते हैं। तो दोस्तों, एटीट्यूड इज एवरीथिंग, इसीलिए मैं कहता हूँ कि एटीट्यूड जो है वो सब कुछ है। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, ऐसा कामना करता हूँ आप लोग भी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, और मैं कामना करता हूँ कि आप लोग भी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी ज़िंदगी को जिए, ताकि हर विपरीत परिस्थितियों में आप धैर्य बना करके पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उस परिस्थिति से बाहर निकलकर जो करना चाहते हैं अपने मुकाम को हासिल करें। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके इसे शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को इस तरह के वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के।